कश्मीर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। घाटी में गिरते तापमान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। श्रीनगर में रात का तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। हरिद्वार पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 लुटेरों से 3 तमंचे और 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोप है कि लूट में नाकाम रहने पर इस गिरोह ने हत्याएं भी की है। गिरोह ने लूट की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल ली है। आगरा में कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में जलकर लाखों का माल खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। अंदेशा जताया जा रहा है कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने यूपी के भदोही में कहा कि कांग्रेस एक मरा हुआ सांप है, जिससे अखिलेश यादव गठबंधन भी कर लेते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। महेश शर्मा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जाति बिरादरी की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पटना में निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान के एक इंजीनियर ओम प्रकाश मांझी के घर छापेमारी की। छापेमारी में 2000 के 2 लाख के नए नोट, लाखों के सोने के गहने, चांदी के बर्तन और कई बैंक खातों के साथ दिल्ली में फ्लैट के कागजात बरामद हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और कैशलेस योजना की तारीफ करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला किया। उनके निशाने पर लालू यादव और ममता बनर्जी सहित तमाम वो राजनीतिक दल और नेता रहे जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। रांची में ठंड से निजात दिलाने के लिए एक एनजीओ ने गरीब लोगों को कपड़े देने के लिए एक शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम में लोगों की मदद से जरूरतमंद लोगों को कपड़े दिए जा रहे हैं। उड़ीसा के बड़ीपाड़ा में एक हिंदू दुल्हन ने इटली के दूल्हे से बड़ी धूमधाम से शादी रचाई। महाराष्ट्र से आई एक महिला पंडित ने वैदिक मंत्रों को पढ़कर इस कपल की शादी करवाई। इस शादी के जरिए समाज को एक नया संदेश भी दिया गया। अहमदाबाद में डॉक्टरों की टीम ने एक सफल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया। डॉक्टर धीरेन्द्र शाह और धवल नायक की टीम ने 37 साल के एक शख्स का दिल 49 साल के पेशेंट को लगाया। हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भावनगर से अहमदाबाद लाया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यापारी को डराकर 10 लाख रुपए लेने के आरोप में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 3 पुलिस सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने नासिक के मेडिकल कॉलेज में बेटी का एडमिशन कराने आए एक व्यापारी को डराकर ये पैसे लिए।